जो लोग ऐसे हैं ना जो ये कहते हैं कि भारत में साइंस का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा जो है एडवांस नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइंटिस्ट, तो मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूँ आज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें पता है भाई कि शून्य से लेके अनंत तक का आविष्कार कहाँ हुआ है? ये भारत की जन्मभूमि है जहाँ पे ऐसे मैथमेटिशियन पैदा हुए जिन्होंने शून्य को भी डिफाइन किया और जिन्होंने इन्फिनिटी को भी डिफाइन किया। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, ठीक है, वो भी भारत के। और रामानुजम जो एकमात्र ऐसे मैथमेटिशियन रहे जिन्होंने बताया कि इन्फिनिटी एक्चुअल में है क्या, जबकि लोग 9 तक काउंटिंग जानते थे तब उन्होंने इन्फिनिटी बता दिया था कि इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। तो इन्फिनिटी का एक्सप्लोरेशन जो है, इन्फिनिटी का वैल्यू जो है, उसको डिफाइन करने वाला एकमात्र जो व्यक्ति है वो भारत का है, रामानुजन, ठीक है। रामानुजन जो है मैथमेटिशियन, अपने टाइम के ग्रेट मैथमेटिशियन रहे, और ना जाने कितने अवार्ड उन्होंने जीते। खुद ब्रिटिश सोसाइटी ने उनको जो है अपने पास बुलाया स्पेशल इनविटेशन से, ठीक है। आर्यभट्ट जो कि कितने सालों पहले जो है शून्य दे गए, अगर वो ना होता तो आज काउंटिंग जो है 9 तक ही पढ़ते आप लोग। तो ये सब चीज़ें जो है आप समझिए कि इंडियन साइंटिस्ट के पास सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो क्रिएट किया जाता है ना उनके ऊपर, वो कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इश्यूज बहुत सारे हैं जिससे कि इंडियन साइंटिस्ट दब जाते हैं, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो। फाइनेंस तो एक इशू है ही कि बहुत ज़्यादा हम फंडिंग नहीं कर पाते अपने साइंटिस्ट को, अदरवाइज हम नासा से बहुत सस्ते में कितने ही रॉकेट लॉन्च कर देते हैं जितने नासा सोच भी नहीं सकता। इतने रॉकेट हम लॉन्च कर देते हैं उतने बजट में जितने नासा एक एक रॉकेट के लिए खर्च करता है। तो हमारे साइंटिस्ट के पास जो है बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल है। हमारे देश के साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर, वो इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो बहुत ही सस्ते बजट में बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी को इनबिल्ट कर सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, अगर आप वो देखेंगे और अमेरिकन क्रायोजेनिक इंजन का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखेंगे, 10 टाइम्स का डिफरेंस मिलेगा आपको। तो आप जा करके जो जो बच्चे जो कहते हैं कि भाई ये जो नासा वगैरह का देख करके आते हैं और ये कहते हैं कि सर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है, तो एक बार ज़रा इसरो को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इसरो के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया है, और साथ में जो है हमारे प्राचीन इतिहास उठा के देखिए कि साइंस में हमारा इतिहास क्या रहा है, ठीक है। चाहे एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे मेटलर्जी डिपार्टमेंट हो, और किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर आप जा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत ने ये सारी खोजें पहले कर ली थी। सुश्रुत एक जो है चिकित्सक हुआ करते थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की इन्वेंशन करी है। प्लास्टिक सर्जरी की इन्वेंशन तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बाद में दी, ठीक है, बहुत बाद में ये गौरव ने दी है भाई। अभी जो है हमारा जो आप देखेंगे उठा के सुश्रुत का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। तो आप कैसे कह सकते हैं भाई कि हमारे साइंटिस्ट में जो है वो पोटेंशियल नहीं है? तो ये जवाब उन लोगों के लिए जो नासा को बहुत बेस्ट मानते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत बेस्ट मानते हैं, और ये मानते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन मिल रहा है वो काफ़ी मतलब लो ग्रेड होता है। कुछ लो ग्रेड नहीं है भाई, मेन चीज़ ये है कि हमारे को जो एजुकेशन दिया जा रहा है ना वो घटिया वेस्टर्न एजुकेशन को ही हमारे सर पे थोप दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हमारा वाला एजुकेशन हमें दिया जाता तो अब तक हम बहुत आगे होते। थैंक यू।